इससे पहले जो पट्टा बांधा था वो बांधा था हमारे सनी ने और पूरा का पूरा पाकिस्तान राज्य था। अब मैं सनी लियोनी की नहीं देवल की बात कर रहा हूँ, हिला भरी लियोनी भी थी लेकिन बाद में देवल की कर रहा हूँ। और भैया उसके बाद हमारी फूड ब्लॉगर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सीईओ जो कि बड़ा पाव गर्ल है, उन्होंने बांधा पट्टा और पूरा का पूरा सेंसेशन हिला के रख दिया। लेकिन उसके बाद इंसल्ट होने के बाद दीदी की जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो सारी की सारी फेल होने के बाद आखिरी ऑप्शन दीदी के पास बचा एक पेड प्रमोशन लास्ट, जो कि न्यूज रिपोर्टिंग कराने का। भाई हमारे देश की जो न्यूज चैनल है उनके पास कश्मीर का टॉपिक खत्म हो गया, मोदी का टॉपिक खत्म हो गया, भाई सारे टॉपिक खत्म हो गए क्या जो तुम इसको न्यूज चैनल पे लेके आ गए? और यूजुअली अगर हमारे को कोई सेलिब्रेशन करना होता है, कोई सक्सेस मिला होता है, अगर हम भंडारा कराना होता है, पहली बात तो हम लोग ये बोल के बिल्कुल भी नहीं कराते कि हाँ मैं गरीबों में बंटवाना चाहता हूँ, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ ब्लेसिंग्स की ब्लेसिंग्स मेरे पास आई है तो मैं उसको किसी फॉर्म में आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये बोलना बंद करो कि मैं गरीबों में बांटना चाह रही हूँ। आप खुद बोलते हो कि मैं भी गरीब हूँ और मैं काट लगा रही हूँ इसलिए, और फिर खुद गरीबों को टारगेट कर रही हो। और फिर दीदी कह रही है कि मेरा भंडारा वहां पे नहीं होने दिया मेरे को पुलिस। चलो दीदी ये मुझे खुद सुन लो, पाव का फ्री वड़ा पाव देना चाहती थी, मैंने गरीबों को भी खिलाया, तो मैं जो लोग मेरे पास इतने दूर दूर से आते थे सभी लोगों को मैं करवाना चाहती थी, बट वो भंडारा नहीं होने दिया गया। मुझे पुलिस स्टेशन रगड़ते हुए लेके गए। मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं क्या गलत कर रही थी? तो आपने देख लिया होगा कैसे दीदी को पूरा का पूरा घसीट लिया, दीदी के कपड़े फाड़े गए और दीदी ने फॉल्स एलिगेशन भी लगाए पब्लिक के ऊपर कि उनको मारा गया है। और एक बार वो पूरा का पूरा क्लिप थोड़ा सा दिखाता हूँ कि दीदी को मारा कैसे गया है और ये विक्टिम कार्ड दीदी ने खेला कैसे अपना चुन्नी वाला। अरे कितने विक्टिम कार्ड खेलेगी भाई, गरीबी का विक्टिम कार्ड खेल लिया, लड़की का विक्टिम कार्ड खेल लिया, गरीबी का विक्टिम कार्ड तेरा फेल हो गया कि भैया क्योंकि 2.5 से 3 लाख रुपए के फोन तुम हाथ में लेके घूम रही तुम्हारे तुम्हारे पति, फिर तुम कह रहे हो तुम गरीब हो, है मेरे नील लग गए मेरे लगा, पर तेरी चुन्नी गिरी थी वो भी गलती से, वो बेचारी दादी जो थी हमारी दादी सुपरमैन हमारी, वो तेरी चुन्नी उठा करके तेरे ऊपर रख रखी थी ताकि तेरी इज्जत बच सके, जो कि तू खुद बाजार में बेच रही है। आपके साथ मारपीट भी? हाँ जी, मेरे पूरे हाथ पे नील के निशान। क्या वो चोट के निशान दिखा सकते? ये देखिए पूरा नील है यहाँ। ओ सॉरी, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर टेलीस्कोप से भी मैंने कोशिश करी लेकिन मेरे को एक भी निशान नहीं दिखा। उसके बाद दीदी ने बोला कि मेरे को वहां से रोंदते हुए लेके गया। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुन लो। मुझे पुलिस स्टेशन रगड़ते हुए लेके गए। तो यूजुअली जब भी न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह होती है सबसे पहले मेकअप होता है, मेकअप में यूज किया जाता होगा भले तो थोड़ा बहुत, मुझे पता है काजल हो गया, मस्कारा हो गया, लिपस्टिक हो गई, ये सब लगाया जाता होगा। लेकिन दीदी के मेकअप में लगे सिर्फ और सिर्फ 2 नींबू छोटे छोटे से, क्योंकि आंखों में नींबू मारना था रोने के लिए। अब एक इसका मेकअप तो कर देता भाई कम से कम, और मेकअप कर रहा था, फाउंडेशन लगाना था ढंग से लगा देते, आंसू बह रहे फाउंडेशन भी साथ साथ बह रहा है। लेकिन उसके अलावा पहले दीदी ने क्या बोला कि मेरे को घसीटते हुए लेके गया। पहली बात तो दीदी आप एक बार देख लो कि आपको लेके कैसे गया था, और आप पुलिस स्टेशन से जब बाहर आई हो तो मुझे तो आपको कपड़ा फटा हुआ नहीं दिखा। दिख रहा है कि आप जब जेल से आई हो तब भी आपके बिल्कुल किसी भी कपड़े के ऊपर पोस्टर नहीं था, और ऊपर से आप भगवान की फोटो को अपनी छाती पे चिपका कर चल रही हो ताकि आप विक्टिम कार्ड दिखा सको, और आपको बकाया था वहां से पुलिस की गाड़ी में बिठा करके लेके गए और आप फिर घसीटा जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड भी दीदी का हुआ फेल। उसके बाद दीदी ने भाई अपने आपको हार्ट पेशेंट बता दिया जो कि हार्ट पेशेंट वो थी भी नहीं कभी। पिछले 10 दिनों से मेरी हालत दिन पे दिन डाउन हो रही है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। एंड भैया देखो मेरे को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी कार्ड कहाँ पर लगा रहे हो, कार्ड कहाँ पर नहीं लगा रही। पब्लिक का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन था कि कार्ड हटाकर आप अपनी एक दुकान खोली जो कि आपके लिए उठाने के लिए था, कि आप रोड पे अपना सामान बेच रही हो, वड़ा पाव की बात कर रहा हूँ, सामान की बात नहीं कर रहा हूं, अपना जो सामान बेच रही हो वड़ा पाव, आप एक प्रॉपर शॉप ले लो। और आप बोल रही हो वहाँ पे हंगामा किया रोड पे, हंगामा किसने किया जरा वो भी देख लो एक बार। रोड पे इतना हंगामा किया गया, हाय 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 हाय, देखा भैया हंगामा किसने किया उस रोड पर, सबने देख लिया।
तो दीदी हंगामा करने वाली सिर्फ और सिर्फ आप थी, भगवान को आपने यहाँ पर बिठा दिया और पब्लिक हो गई ऑफेंड उस चीज से भी। और लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन था आपसे कि जाकर किसी गुरुद्वारे में वड़े पाव रख दो या फिर किसी और प्लेस पे ले जाओ, लेकिन लाइमलाइट में आपको आना था। सारे के सारे विक्टिम कार्ड हो गए फेल। आखिरी विक्टिम कार्ड जो दीदी का बचा कि दीदी रो रो कर न्यूज रिपोर्टर पे ये कह रही है कि मेरे बेटे को बीच में लाया गया, मेरे बेटे को बीच में लाया। कोई आपको नहीं जानता, ना आपके बच्चे को जानता, ना आपके परिवार को जानता, ठीक है। आप ही अपने बेटे को बीच में लेके आई हो कि मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। 2.5 से 3 लाख रुपए के फोन है आपके हाथ में, जो कि एक बच्चे के नॉर्मल। और पहली बात तो क्या एक अच्छे स्कूल का मतलब आप प्राइवेट स्कूल समझ रही हैं? क्या हमारे सरकारी स्कूल इतने बेकार हो गए हैं कि आप वहाँ उसको नहीं पढ़ा सकती? और क्या अब तक वो किस स्कूल में पढ़ रहा था कि आप उसको प्रमोशन कराना चाहती हैं? जरा पहले ये सुन लो, फिर आगे दीदी का आगे खुलासा करता हूँ। मेहनत कर रही हूँ, कल से अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। भले माँ रेडी लगाएगी, पर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उस पर भी कमेंट होंगे। यार बच्चे पे कमेंट तो होंगे ही ना, क्योंकि आप ही तो खुद बोल रहे हो कि अगर मैं शॉप ले लूंगी तो उसका 30 से 40 हजार रुपए किराया होगा। हालांकि 30 से 40 हजार रुपए किराया किसी भी दुकान का नहीं होता। एक नॉर्मल अगर आप दुकान लोगे, भाई हमने भी किराया पे दुकान दे रखी है, पीछे शॉप नहीं कर रहा कि मैं अपने खुद के मकान में रहता हूँ। मेरा खुद के मकान के पीछे एसके मोटर के नाम से अगर कभी मीटअप करना हो तो प्लीज आ जाने मिलने। मैं बहुत तरस रहा हूँ कि कोई भी मिलने नहीं आ रहा मेरे से। हालांकि दुकान पे आ जाते हैं, दुकान जो हमने पीछे भाई 10 हजार रुपए में किराए पे दे रखी है, 5 से 7 या 8 या 10 हजार में दुकान आपको आराम से मिल जाती है। आप अपने बच्चे को खुद बीच में लाए हो कि मैं उसको बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। बड़े स्कूल से मतलब क्या आपका प्राइवेट स्कूल में? क्या हमारे सरकारी स्कूल उतने गिर गए हैं? डीफेम आप कर रही हो हमारे इंडिया को, हम आपको डीफेम नहीं कर रहे हैं। आप अगर खुद अपने आप को जो डीफेम आपको लेके हुआ, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पा रही तो रो रो कर उसको साबित मत करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर होता है कोई वहां क्यों नहीं आता कि चंद्रिका तू अपने घर में झाड़ू क्यों लगाती है, इतना काम क्यों? ये करने के बाद अपने शौक पूरे करती हूँ। तो ये था दीदी का अगला स्ट्रगल। दीदी अपने घर में खुद झाड़ू मारती है। भाई मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ, पहले मैं सुबह सैटरडे को घर में ये झाड़ू मारता हूँ। मैं मंडे को सुबह घर से निकलने से पहले ये झाड़ू मार के निकलता हूँ और शाम को जब मैं घर में घुसता हूँ तो ये झाड़ू मेरे मारी जाती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, मेरा स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। अब कौन सा स्ट्रगल, अपने घर में झाड़ू मारने को स्ट्रगल बोलते हैं क्या? मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ, मेरी माम पहले तो सैटरडे संडे यही झाड़ू मेरे से लगवाती है, ये झाड़ू मेरे अंदर डाल देती है। कार्ड भी है, दुकान भी खोलूंगी, R&D करूंगी, हर चीज करूंगी। अब जब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते किसी ने बताया नहीं कि वर्ड के पीछे पॉज लेना होता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गलत मत लेके चले जाना। वायरल वड़ा पाव गर्ल का ठेला कहाँ लगता है एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो आप बताइए दिल्ली वालों को कहाँ लगता है, दिल्ली वालों को क्यों ऑल ओवर इंडिया पूछ रहे हैं आपसे? मैं पूछ रही हूँ कहाँ लगाऊ, मैं पूछ रही हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा एक एक अबे दोनों के दोनों स्क्रिप्ट भूल गए, दीदी भी स्क्रिप्ट भूल गई। उसके बाद न्यूज रिपोर्टर कवर करने गई तो वो भी अपना फोन चेक कर रही है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अगली लिस्ट में क्वेश्चन में दीदी तो सारी की सारी स्क्रिप्ट भूलती जा रही है। कहीं ये ना मैं अगला क्वेश्चन पूछूं उसकी भी स्क्रिप्ट भूल जाए। भाई ये तो पूरा का पूरा मोह मोह हो रहा दीदी का। चाहता है कि जो मुंबई में 10 रुपए में बिकता है वो तू 50 का क्यों देती है, क्योंकि मुंबई की लाइफ अलग है, दिल्ली की अलग है। हाँ मुंबई वाले तो अपने हाथों पे चलते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले तो नॉर्मल इंसान है, वो पैरों पे चलते हैं, है ना। उसके बाद दीदी का अगला लॉजिक सुन लो। आज आप जो 5 रुपए की मैगी घर में बन रही है वो पहाड़ों पे आप 60 रुपए की खाते हो, कुछ तो। और दीदी बात रही मैगी की, मुझे नहीं पता आप मैगी को डिफेम क्यों कर रहे हो, 5 रुपए की मैगी नहीं आती भाई, 2 रुपए में भले ही बनती है लेकिन मैगी 12 रुपए की आती है, उसकी थोड़ी देर इज्जत कर ले यार, बेचारी वह पहली फंस चुकी है, आप क्यों उसकी और बदनामी कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस भाई पहाड़ों में एक ही सोर्स होता है लोगों के पास कि टूरिस्ट आएंगे खाएंगे और जाएंगे, तो थोड़ी सी कॉस्टिंग हाई रखनी पड़ती है। उसके बाद भैया बुद्धिमान औरत जब ऊपर पहाड़ों में ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रक भर भर के जो सामान जाता है, ट्रक वालों का ड्राइवर का खर्चा अलग होता है, ट्रक जब ऊपर चढ़ता है पेट्रोल का खर्चा अलग लगता है, उसके बाद पहाड़ों में ट्रैवल करना पड़ता है उसकी एक्सटर्नल कॉस्टिंग अलग आती है। तू पापड़ो उसमें से लेके आ रही 5-10 रुपए का, उसको तू 50 रुपए का बेच रही है, लॉजिक ही नहीं है। अबे स्क्रिप्ट तो ढंग की लिखवा लेते कम से कम, पहले मेरे को बिठा लेते, मैं अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देता। एक बात बोलूंगी आपको कि जब मेरा रेस्टोरेंट डन होगा ना, वो कार्ड मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होगी, मुझे इतना लगा हुआ है और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मतलब ये है कि बस मुझे रेडी पे अपना काम करने दिया जाए, मेरा सेट वो ही सुकून है मेरा। दीदी ने जो है अपनी दुकान खोल ली है, लेकिन दुकान भी ऐसी खोली कि दुकान के जस्ट सामने उन्होंने अपना ठेला लगा दिया है, काउंटर की जगह अपना ठेला खड़ा कर दिया, ताकि कैसे भी करके जितने भी मेरे एंगल हैं, गरीबी का एंगल मेरा नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट विक्टिम कार्ड वही है कि मैं गरीब हूं और मैं इसलिए अपने आप को सेल कर रही हूं। अगर यहीं पर चलो एक नॉर्मल सोसाइटी की बात करते हैं, एक लड़की अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है ठेला लगाकर, तो लोग उसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, मैंने अपना घर चला रही वहीं पर। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई जो पढ़ा लिखा इंसान होता तो अपनी जॉब छोड़ करके सो कॉल्ड स्टार्टअप को खोलता, क्योंकि आजकल लहर लग चुकी है ना, अगर अंडे की रेडी या मोमोज की रेडी खोल लेते हैं
तो ये लोग बोल देते हैं कि बीटेक पानी पूरा या चाय वाला, और ये बोलते हैं कि ये स्टार्टअप है। पहली बात तो देखो, ये कोई स्टार्टअप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आज भी ठेले हैं, कल भी ठेले रहेंगे। बात रही पैसे कमाने की, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, बात वो अलग है। लेकिन इसको स्टार्टअप के नाम पर अपने आप को बड़ा दिखाना बंद करो। अगर स्टार्टअप खोलना ही है तो फिर आप उसको मार्केटिंग करके दिखाओ, लेकिन अपने को गरीबी के एंगल से मत दिखाओ। खुशखबरी है कि दीदी ने अपनी कार्ड खोल ली है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर भाई मैंने ये जरूर सुना था कि मेरे बाल सफेद हुए हैं, धूप में नहीं करे, मैंने एक्सपीरियंस सफेद करे हैं। ऐसा बंदा है जिसके बाल ही नहीं है, और भाई बड़ा पाव गर्ल के ऊपर स्टडी निकाल दी, यानी केस स्टडी निकाल दी। और थोड़ा सा केस स्टडी को मैं समझाता हूँ आपको। जो शुरुआत की हल्दीराम की नौकरी छोड़ के, एक वड़ा पाव का काट लगाया, एक ठेला लगाया। अब देखिए, एक फीमेल होके, एक लेडी होके, एक माँ होके बहुत मुश्किल है। एक फीमेल होके, एक माँ होके, एक औरत होके, एक नारी होके, भैया आप, मैं वही दोबारा एंगल पे बात करना चाह रहा हूँ कि भाई एक औरत हो चाहे एक मर्द हो, वैसे आप इक्वालिटी की बात करते हो, लेकिन वहीं पर अगर एक लड़की ठेला लगा रही है तो उसकी मदद करने सारे पहुंच जाते हैं। अगर वहीं पर बेचारा डॉली वाला चाय वाला लगा तो उसको सारे छपरी छपरी बोल के बेइज्जती करते हैं। साफ एंगल यहीं पर दिख रहा है, इसको इक्वल रखो, इन चीजों को अलग मत करो। ये इजी नहीं है कि सड़क के ऊपर ठेला लगाना, बहुत कुछ बाधाओं से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सबसे पहले तो आपको एमसीडी से बचना पड़ता है, क्योंकि वो मारने पहुंचेंगे आपको। उसके अलावा आपको जिम भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एमसीडी वाले आएंगे आपको अपने ठेले को उठा कर लेके भागना भी है वहां से। बहुत सारे घर से ऑब्जेक्शन आते हैं, साथ से रिश्तेदारों से, जरूर इन्होंने भी वो सब झेले होंगे। अंकल जी, कोशिश तो आपने बहुत अच्छी करी दीदी को बचाने की, दीदी के पॉजिटिव पीआर करने की, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि दीदी की मदर ऑलरेडी नहीं है, उसकी बिल्कुल मेरे को सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन आपने क्या बोला, उनके घर से ऑब्जेक्शन आए, उनकी सास का आपने नाम लिया कि उनके सास और उनके पति से ऑब्जेक्शन आएंगे। आप ढंग से एक बार केस स्टडी करने से पहले दीदी का बैकग्राउंड तो चेक कर लेता। अपनी सास और अपने पति को साथ में ठेला लेके खड़ी होती है वहां पे, वो अपने पति को ये बोलती है कि लड़का नहीं रख सकती क्योंकि वो पैसे लेगा, इसलिए अपने पति को खड़ा करती हूँ। लेकिन इन समय में एक चीज भूल गया, अगर सास भी यहाँ पर है, पति भी यहाँ पर है, चंद्रिका खुद भी यहाँ पर है, और दीदी की मम्मी भी नहीं है, बुरा मानना इस बात से, आपके तो बेटे की तबीयत खराब थी, आपका बेटा का इस समय। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी में, पहले आगे फ्रेंचाइज दे सको और एक बड़ा सा आईपीओ या बड़ी सी हजारों करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बना सको। एक तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लॉ स्कूल्स हैं ना, वहां पर अभी से ही स्ट्रिक्ट आगे रेगुलेशंस डाल दो कि पढ़ाई के नाम पे मजाक नहीं होगा वहां पे। भाई इसने वड़ा पाव से आईपीओ खोल दिया, भाई तू क्या पागल है क्या? आईपीओ तेरे को पता होता क्या? एक मिनट रुक, अंबानी जी अगर आपका धंधा नहीं चल रहा, एक बहुत तगड़ा हजार करोड़ का बिजनेस लेके आया हूं मैं। हाँ जी हाँ, मीटिंग कब? अच्छा हाँ, टॉपिक तो यही है ना, अंबानी वड़ा पाव। सॉरी, पता नहीं गाली को दे रहे थे अंबानी जी, लगता है किसी और को दे रहे होंगे, गलती से मैंने सुन ली। तो भाई यहाँ से साफ साफ क्लियर होता है कि एक पॉजिटिव पीआर करी अंकल जी ने, केस स्टडी बनाने के रूप में इनको एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी। हालांकि दीदी ने अपनी दुकान खोल ली और ये भाई तो हजार करोड़ की वैल्यूएशन निकाल रहे छोटे से बड़ा पाव से, और दीदी एक नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं झेल पा रही। हालांकि देखो, मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि दीदी ने जॉब छोड़ी, दीदी हालांकि उस इंडस्ट्री से ही थी, पहले हल्दीराम में काम करती थी, उसको आगे दीदी ने इन्वॉल्व किया कार्ट में। पब्लिक की सिर्फ और सिर्फ आपसे यही एक गुजारिश थी कि आप कार्ट छोड़ के एक अच्छी सी शॉप खरीद लो ताकि आप उठ सको वहां से। आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहां पर भीड़ लग रही थी। किसी को भी आपके कमाने या ना कमाने से प्रॉब्लम नहीं होती, अगर किसी को आपके ना कमाने से प्रॉब्लम होती, जिस दिन आपका भंडारा था वहां पर आंटी भी एक ही बात बोल रही थी कि यार एक काम कर, इसको इस रोड से हटाकर दूसरी रोड पे लगा ले ताकि हमारे घर ना ब्लॉक हो, या फिर आप इसको गुरुद्वारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइन लाइट में आने के चक्कर में आपने सारी हरकतें करी। आप भी जानते हो चुन्नी गिराने वाला एक्ट भी आपका बाहर आ चुका है, अब आपकी कार्ड ओपन हो चुकी है और अब आप थोड़े टाइम के लिए मीडिया से आउट हो चुकी हो, क्योंकि आपको मालूम है आपकी पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पीआर अब ज्यादा हो रही है। नेगेटिव पीआर कराने की जरूरत नहीं पड़ती, पॉजिटिव पीआर करानी पड़ती है। जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में दम रहता है ना, तो वो ऑलरेडी बिकता है मार्केट में। आपको मालूम है कि आप वायरल हुए, आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बिकने वाला, आप इसलिए दुकान नहीं लेना चाह रहे थे। दुकान लेना भी चाह रहे थे, एक सेंटिमेंटल रूप से लेना चाह रहे थे ताकि रेगुलर आपका वड़ा पाव बिकता रहे, आपकी शक्ल देखकर, आपके वड़ा पाव देखकर। तो भाई वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड मुझे लगता नहीं कि इसके बाद और दीदी लाइमलाइट में रहेंगी। दीदी के वड़ा पाव की कहानी यहीं पर खत्म होती है। पार्ट वन रोस्ट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी लाइव, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा एक फनी हेल्दी वे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में चल क्या रहा है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।